भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका नगरी। ये चार धामों में से एक धाम है, सप्तपुरी में से एक पुरी है। द्वारिका नगरी को भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान और मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण की फोर्थ जनरेशन वज्रनबाजी ने किया था। द्वारकाधीश मंदिर यहाँ पर है गोमती नदी और आगे जाके हमें गोमती नदी और अरेबियन सी का संगम देखने को मिलेगा। तो फिर चलो। मंदिर के ऊपर शिखर पर आप जो फ्लैग देख रहे हैं उसको 52 गज की ध्वजा कहा जाता है, क्योंकि जिसके अंदर 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह और 4 दिशाओं का समावेश है। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक भगवान का नैप का वक्त होता है, तो दर्शन नहीं होते। गोमती नदी पार करके दूसरी साइड पहुंचने के लिए सुदामा सेतु बनाया गया है, पर अभी किसी कारणवश सुदामा सेतु ब्रिज बंद है। तो अभी वहां पर बोट्स अवेलेबल है जो 100 रुपीज पर पर्सन लेते हैं। गोमती नदी क्रॉस करने के बाद यहां पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, जहाँ पर दुर्वासा ऋषि हमें पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि की समाधि है। लक्ष्मी नारायण मंदिर में हमें चार धामों में से एक धाम रामेश्वर धाम से आया हुआ पत्थर हमें यहाँ तरंगता हुआ देखने को मिलता है। और लक्ष्मी नारायण मंदिर के आगे ये 5 पांडवों के ऐसे 5 कुएं हैं जो 5 पांडवों के स्वभाव के अनुसार बनाए गए हैं। 5 पांडवों के बिहेवियर के अनुसार इसका पानी चेंज होता है। यहाँ पर एटीवी राइड्स भी अवेलेबल है जिसका 100 रुपीज चार्ज है। द्वारकाधीश जी के दर्शन के बाद अब हम आए हैं रुक्मिणी मंदिर। पीछे भी एक कारण है कि माता रुक्मिणी का मंदिर इतने द्वारकाधीश मंदिर से इतने दूर है। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी ने अपने गुरु दुर्वासा ऋषि को आमंत्रित किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं एक शर्त पर चलूँगा, जिस रथ में आप मुझे लेकर चल रहे हैं उस रथ का वो आप अपने कंधों पर उठाकर मुझे लेके जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी ने उनकी शर्त मान ली और वो उनको लेके चलने लगे। तो बीच में माता रुक्मिणी को प्यास लगी, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहा, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने दाएं पैर के अंगूठे भूमि में दबा के गंगा निर्मित की और उन्होंने अपने प्यास बुझाई। पर उनसे एक गलती हुई कि उन्होंने अपने गुरु दुर्वासा ऋषि को पानी के लिए नहीं पूछा, तो दुर्वासा ऋषि ने उनको 2 शाप दिए। उनमें से पहला शाप है कि उन्हें 12 साल का वियोग मिलेगा। ये माता रुक्मिणी का मंदिर यहाँ पर स्थापित किया है। और दूसरा शाप ये है कि उन्होंने अपने गुरु को खाना और पानी नहीं पूछा, इसलिए यहाँ की जमीन पूरी बंजर हो जाएगी। द्वारकाधीश में अनाज का और माता रुक्मिणी मंदिर में जल का दान किया जाता है। तो अभी हम आए हैं नागेश्वर टेम्पल, जो भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। ये द्वारकाधीश मंदिर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। रुद्र संहिता में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को द्वारिका वनी नागेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गोमती द्वारका से भेंट द्वारका जाते समय रास्ते में ही पड़ता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा ऐसी है कि सुप्रिया नाम का सदाचारी वैश्य था। वो भगवान शिव का भक्त था। वो हमेशा उनकी पूजा आराधना और ध्यान करता था। एक बार सुप्रिया नाव पर सवार होके कहीं पर जा रहा था, तो राक्षस दारुक ने नौका पर आक्रमण कर दिया
और उसे बंदी बना लिया, अपनी राजधानी में जाके कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। जब ये बात दारुक को पता चली तो दारुक ने क्रोधित होकर सुप्रिय से कहा कि तुम आंखें बंद करके कौन से षड्यंत्र करने की सोच रहा है। उसके ये कहने पर भी सुप्रिय की आराधना भंग नहीं हुई। अब रुद्रक ने सुप्रिय को मारने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके आदेश से भी जरा भी भयभीत नहीं हुआ और आराधना करने लगा। तभी भगवान शिव जी तक्षण उस कारागार में ऊंचे स्थान पर चमकती हुई सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने इस तरह सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक का वध करके सुप्रिय शिवधाम को चला गया। यहाँ पर मंदिर के पास में ही भगवान शिव जी की बड़ी सी ध्यान मुद्रा में बैठी हुई प्रतिमा है, जिसकी वजह से मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी पर से ही दिखाई देता है। यह मूर्ति 85 फीट ऊंची है। तो अभी हम बहुत ही खूबसूरत जगह जा रहे हैं, जो कि है बेट द्वारका। यहाँ पर बोट्स हैं जो हमें बेट द्वारका तक लेके जाते हैं और इसका 20 रुपीज पर हेड चार्ज है। इस जगह को भेट द्वारका कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की भेंट हुई थी। सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण को चावल भेंट दिए थे, तो अभी भी यहाँ चावल का भोग चढ़ता है। यह जर्नी बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक है, तो आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए। हमारा गुजरात में है दूसरा दिन और आज हम आए हैं गिरनार पर्वत, जो हिमालय से भी बहुत पुराना पर्वत है। गिरनार पर्वत जूनागढ़ में है, राजकोट से 100 किलोमीटर और अहमदाबाद से 316 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर अंबा माता टेम्पल, गोरखनाथ पीक, ओगढ़ पीक, दत्तात्रेय टेम्पल और कालिका टेम्पल जैसे 5 पीक्स है। गिरनार पर्वत की टोटल 10,000 स्टेयर्स केसेस है, जिसकी स्टार्टिंग गिरनार तलेटी से होती है, जिनको पूरे 10,000 स्टेयर केसेस चढ़ने हैं वो लोग रात में ही चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और सुबह दत्तात्रेय टेम्पल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर रोपवे की सुविधा भी है, जिसका 700 रुपीज पर हेड चार्ज है। रोपवे से एक दिन में टोटल 8,000 लोग आते जाते हैं और एक केबल कार में 8 लोग बैठ सकते हैं। आप रोपवे का ऑनलाइन बुकिंग उनकी वेबसाइट https://udankutala.com से कर सकते हैं। रोपवे से आप अंबाजी माता मंदिर तक जा सकते हैं। तो रोपवे से अंबाजी माता मंदिर तक टोटल 5,000 स्टेयर केसेस आपके कवर हो जाएंगे। अंबाजी माता मंदिर से गोरखनाथ पीक तक टोटल 1,000 स्टेयर केसेस है। आगे दत्तात्रेय टेम्पल है, जो कि गिरनार पर्वत का हाईएस्ट पीक है। उसके लिए आपको 850 स्टेयर केसेस गोरखनाथ पीक से उतरकर 700 स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे, तो आप दत्तात्रेय टेम्पल तक पहुँच जाएंगे। अभी आप जो ये मंदिर देख सकते हैं, ये जैन टेम्पल है, भगवान नमिनाथ का सिद्ध क्षेत्र है। रोपवे से आप 7 to 8 मिनट्स में अंबाजी माता मंदिर तक पहुंच जाएंगे और रोपवे से आपकी ये जर्नी बहुत खूबसूरत होगी। अभी हम रोपवे से अंबाजी माता के दर्शन के लिए आए हैं। ये अंबाजी माता का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, तो आप वहाँ पर स्नैक्स और लंच कर सकते हैं।
भगवान शिव जी ने जिन 12 स्थानों पर अवतार लेकर अपने भक्तों को वरदान दिया, उन स्थानों पर ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। तो अभी हम आए हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। और 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे पहले आता है। गुजरात में समुद्र के किनारे सोमनाथ जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि ये मंदिर सोने चांदी से सजा हुआ था और इसी वजह से इस मंदिर को 17 बार लूटा गया और 6 बार तोड़ा गया और अभी 7वीं बार ये बना। बाद में इसका हिंदू राजाओं द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया और आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। रात को 8 से 9 बजे सोमनाथ का हिस्ट्री लाइट शो द्वारा दिखाया जाता है, जिसका टिकट 25 रुपीज फॉर एडल्ट्स और 15 रुपीज फॉर किड्स के लिए है। सोमनाथ मंदिर की कथा ऐसी है कि प्रजापति दक्ष से भगवान चंद्र को शाप मिला था, तो उस शाप से निवारण पाने के लिए उन्होंने कड़ी तपस्या की थी और भगवान शिव जी उन्हें प्रसन्न होकर उन्होंने उस शाप का निवारण किया था। तो तब से इस एरिया को प्रभास क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान चंद्र को शाप लगने के कारण भगवान शिव जी की कृपा और आशीर्वाद से यह उनका तेज मतलब प्रभा प्राप्त हुई। अभी हम आए हैं सुदामा मंदिर, जो कि पूर्व अंदर में है और इसे श्री सुदामापुरी यात्रा धाम भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी को समर्पित है। बहुत खूबसूरत सा मंदिर है। यहाँ पर श्री सुदामा जी की लोक 84 परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।